गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजी विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम ऑफ मनेरा के बारे में। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, जैसे नीट वगैरह की, तो हमारी वीडियो जो है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपके एंट्रेंस में जितने भी टॉपिक आएंगे इम्पोर्टेंट, हम उन सभी पे जो होते वीडियो बनाएंगे और अपने टॉपिक्स के अंदर वे सभी क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे जो आपके एंट्रेंस में आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड किया जाता है, उन चीजों को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले मोनेरा के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि मोनेरा क्या होते हैं, किंगडम होते हैं और इसके अंदर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म आते हैं। किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं इसके अंदर? आते हैं स्पेशल सिंपल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इस बेस पर आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो कि किंगडम मोनेरा क्या होते हैं। किंगडम होते हैं विच इज इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिज्म सच एज द प्रोकैरियोटिक विच आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर। तो इस तरीके से जो होता है आप डेफिनेशन को बना सकते हो, उसे मोल्ड कर सकते हो। तो आपको मेनली जो है याद रखना कि वो क्या है मोनेरा, और मोनेरा के अंदर क्या आता है प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और अनडेवलप सेल्स होते हैं। तो ये मेन बात होती है मोनेरा के बारे में, जो कि आपको क्या करना है याद रखना है। अब आगे चलते हैं मोनेरा के बारे में। वो आपसे पूछेगा किसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या है, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जांपल होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया होता है, आर्चीबैक्टीरिया होता है, और भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें आते हैं, जैसे माइकोप्लाज्म होते हैं, रिकेटस होता है। तो ये सभी जो होते हैं किसमें आ जाते हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं मोनेरा के अंदर। अब बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। हम बैक्टीरिया के जो होते हैं जनरल करेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो होते हैं इसकी वीडियो के पार्ट्स बनेंगे, उस पार्ट्स में जो होते हैं माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो चलिए जो होता है जनरल करेक्टर ऑफ मोनेरा जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो है उसके जो होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो मोनेरा में जो है वो क्या जाता है, बैक्टीरिया जाता है। तो बैक्टीरिया की जो खोज थी वो किस सबसे पहले किसने कर रही थी, तो आप जानते हो एंटिनो वैन ली वैन हुक जो थे, एक काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या करा था, बैक्टीरिया की खोज करी थी। अब बैक्टीरिया की खोज उन्होंने कैसे करी, एक बार वो अपनी टीथ में से जो थे कुछ मटेरियल जैसे फंस जाता तो वो निकाल रहे थे, तो उस टीथ के साथ उन्हें जब कुछ मटेरियल मिला तो उसमें क्या था, उसमें उन्हें एक बैक्टीरिया मिला। मतलब कि अपने ही टीथ में उन्होंने क्या देखा, अपनी टीथ के साथ जो वेस्ट जुड़ा रहता है उसको जब निकाल रहे थे तो उसमें क्या मिला उन्हें, उसमें उन्हें बैक्टीरिया मिला, एक सेल मिली जिसको उन्होंने देखा, और देखने के बाद उसको पता लगा, तो उन्होंने उसको क्या कहा कि ये स्मॉल एनिमल है, उसे एनिमिकुलस जो है कहा गया। बाद में जो होता है उसका नाम जो है वो चेंज हुआ, जब उसकी ज्यादा स्टडी हुई तो पता चला कि एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और उसको नाम दे दिया गया बैक्टीरिया। तो इस तरीके से जो है बैक्टीरिया की क्या करी गई, डिस्कवरी जो है वो हुई। अब बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको याद रखना कि बैक्टीरिया जो होता है वो सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी का मतलब ये क्या होता है, यूबिक्विटस होता है। तो आपको ये वर्ड जो है याद रखना है कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूबिक्विटस होते हैं। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्विटस का मतलब ये होता है कि ये हर जगह जो है पाया जाता है। अगर आप बात करें कि गर्मी की, तो ये जो होता है थर्मोफिलिक भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि ये कैसे होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं। अब थर्मोफिलिक कितने होते हैं, ये 78 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर तक क्या कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि लंबे टेम्परेचर तक, ज्यादा टेम्परेचर तक बचे रह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। इसी तरीके से अगर आप ठंड की बात करें, कोल्ड की बात करें, तो ये -190 डिग्री तक जो है वो बचे रह सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, साइक्रोफिलिक जो है कहते हैं। तो ये जो है मेनली आपको याद रखना है। और अगर आप साइज की बात करते हो तो बैक्टीरिया जो होते हैं साइज में भी काफी वेरिएंट होते हैं, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इनकी जो होते हैं साइज हो सकती है। और अगर आप स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो क्या होता है, कोकस होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर होती है। अगर आप लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, कोई पूछे आपसे, तो आप बता सकते हो कि बिगोटा जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है, और ये कितना बड़ा हो सकता है, ये 16 से लेकर 45 माइक्रोमीटर तक जो है बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से जो होता है मेनली ये बातें तो आपके किस में जाते हैं, जनरल नॉलेज में जो होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो भी आपको जो याद रखनी है। अब बात करते हैं सेब की। सेब जो होते हैं वो बिल्कुल आसानी से जो होता है आप इसकी स्टडी कर सकते हो, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहले आपको ये देखना है कि सेब कैसी होती है, कोकस होती है। कोकस का मीनिंग क्या होता है, कोकस का मीनिंग होता है राउंड, ये आपको जानना है। दूसरी सेब कैसी होती है, बैसिलस होती है। बैसिलस का मतलब क्या होता है, रोड सेब।
इसी तरीके से स्पाइरलम, स्पाइरलम जो होता है उसका मतलब होता है कि उसमें कॉर्ड हो गए। कॉर्ड कितने हो गए? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा जो होते हैं कॉर्ड उसमें प्रेजेंट हो गए। तो इस तरीके से एक दो से ज्यादा जो होते हैं उसमें अगर कॉर्ड प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं स्पाइरलम। अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉर्ड है तो उसे हम कहते हैं विब्रियो। तो इस तरीके से जो होते हैं इसके अलग अलग क्या होते हैं, शेप होती है। मगर जब आप कोकस की बात करते हैं तो कोकस क्या है? सर्कुलर है। सर्कुलर अब वो एक भी हो सकता है और सर्कुलर वो दो भी हो सकते हैं। अगर वो एक सर्कुलर है तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे? मोनो और कोकस। इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा मोनो कोकस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दो लगा देते हो तो ये क्या हो गया? दो, दो के लिए डिप्लो, तो ये क्या हो गया? डिप्लो कोकस हो गया। अगर आप यहाँ पे तीन कर देते हो तो क्या हो जाएगा? ट्राई। अगर चार कर देते तो टेट्रा। तो इस तरीके से जो होते हैं इनके अलग अलग जो होते हैं नाम बना सकते हो। अगर यहाँ पे लाइन होती, अगर यहाँ पे आप इस तरीके से सर्कुलर कर देते हैं इसको, तो इस लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेप्टो कोकस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक है तो मोनो हो गया, दो हो गया तो डिप्लो हो गया, तीन हो गया तो ट्राई, चार टेट्रा। अगर लंबी लाइन है तो क्या कह देंगे आप? लंबी लाइन है तो आप क्या देंगे? स्ट्रेप्टो कोकस। तो इस तरीके से जो होते हैं इनको आप आगे भी सब डिवाइडेड कर सकते हो। इसी तरीके से बैसिलस में है। बैसिलस में अगर एक है जो रोड शेप है वो क्या है? एक है, तो उसमें क्या क्या देखते हैं? मोनोबैसिलस। अगर वो रोड दो है तो आप क्या क्या देखते हो? डाइबैसिलस। अगर वो तीन है तो आप क्या कह दोगे? आप कह दोगे ट्राई। और वो पूरी लंबी चेन है तो आप उसे क्या कह दोगे? स्ट्रेप्टो बैसिलस। तो इस तरीके से जो होता है आप क्या कर सकते हो? आप इनके सब डिवीजन जो बना सकते हो। मगर स्पाइरलम में मोनो ट्राई टेट्रा इस तरीके का कुछ नहीं होता, ना विब्रियो में जो होता है इस तरीके का कुछ होता। तो ये अपने सब इनके सब डिवाइडेड नहीं होते, ये सिर्फ एक ही तरह के होते हैं। स्पाइरलम क्या होगा? जिसके अंदर जो है एक दो से ज्यादा कॉर्ड प्रेजेंट हो गए उसे हम क्या कहते हैं? स्पाइरलम कहते हैं। और विब्रियो को क्या होगा? जो कोमा शेप में होता है जिसमें एक कॉर्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं? विब्रियो कहते हैं। तो इस तरीके से जो आप इनको इनकी शेप के बेस पर क्या कर सकते हो? क्लासीफाई कर सकते हो। अब बैक्टीरिया को जो होता है उसके फ्लैजिला के बेस पर भी जो होता है क्या कर सकते हो? आप क्लासीफाई कर सकते हो। फ्लैजिला बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? इनके पास जो होते हैं फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ये फ्लैजिला क्या काम आती है? मूवमेंट करने का काम होती है। तो ये फ्लैजिला के बेस पर भी जो होता है आप इनको क्या कर सकते हो? क्लासीफाई कर सकते हो। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास जो है फ्लैजिला नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एट्रियोचस। अगर एक ऐसा जिसके पास फ्लैजिला नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? एट्रियोचस। जिसके पास एक फ्लैजिला होगी उसे हम क्या कहते हैं? मोनोट्रीचस। जिसके पास दो होगी उसे हम क्या कहते हैं? डाई। जिसके अंदर तीन होगी ट्राई। जिसके अंदर अनेक होगी उसे पॉली। मगर जिसके पास आमने सामने होगी, एक फ्लैजिला अपोजिट है और एक उसके अपोजिट है, तो उसे हम कहते हैं एम्फीट्रीचस। तो इस तरीके से भी जो होता है आप बैक्टीरिया को क्या कर सकते हो? क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना है कि मोनोट्रीचस जो होता है एम्फीट्रीचस का मतलब क्या होता है और बैक्टीरिया को जो होता है किस बेस पर जो क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं आपको क्या करनी है? याद रखनी है। और आप इनको याद रख के इनको बड़ा डिटेल भी कर सकते हो और जो होता है स्मॉल बना के इसको आसानी से लर्न भी कर सकते हो। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके बारे में। तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें जो सबसे बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे ऊपर जो होती है एक लेयर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, और वो लेयर जो होती है ये होती है। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं स्लाइम लेयर। और कई बार इसी को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। तो कई बार आपसे डिफरेंस भी पूछ लेंगे स्लाइम लेयर क्या होती है और कैप्सूल क्या होता है और ये किस किस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, किस पे प्रेजेंट नहीं होती, क्या ये परमानेंट होती है या ये परमानेंट होती है या नहीं होती, जो भी है इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेंगे। तो आपको बताना है कि स्लाइम लेयर क्या होती है। तो स्लाइम लेयर जो होती है असल में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपना खाना खा रहा है और जो वेस्ट बनता है तो उस वेस्ट को क्या करता है? बॉडी से बाहर निकालता है। और बॉडी से बाहर निकालने के बाद वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है? इसके ऊपर जमता रहता है और जमते जमते क्या बना देता है? इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। ये लेयर जो बनती है इस लेयर को हम कहते हैं स्लाइम लेयर।
ये जिलेटिनियस सब्सटेंस जो होते हैं पॉलीसेक्राइड, इनकी जो होती है बनी होती है। किसकी बनी होती है? जिलेटिनियस सब्सटेंस ऑफ पॉलीसेक्राइड। अगर कई बैक्टीरिया आपके ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो भी बाहर निकाल देते हैं। जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर निकाल लेंगे तो ये जो पॉलीसेक्राइड है इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? नाइट्रोजन भी ऐड हो जाएगा। उस वक्त आप इसको क्या कह देते हो? कैप्सूल कह देते हो, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऐड होने से थोड़ा क्या हो जाता है, और ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? कैप्सूल कह देते हैं। पॉलीसेक्राइड में, सॉरी, स्लाइम लेयर में क्या प्रेजेंट था? स्लाइम लेयर जो था वो पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट कर रहा था, मगर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उस वेस्ट मटेरियल के साथ पॉलीसेक्राइड तो निकालते हैं मगर नाइट्रोजन भी निकाल दे, नाइट्रोजन से का बना कोई कंपाउंड निकाल दे, अमीनो एसिड निकाल दे, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और ये थोड़ी सी और क्या हो जाएगी? हार्ड। उस वक्त आप इसे क्या कह देंगे? कैप्सूल कह देंगे। तो ये क्या होते हैं? स्लाइम लेयर होते हैं और कैप्सूल होता है। ये क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, और जिस पर कैप्सूल प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया पर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती। तो ये आपको क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि स्लाइम लेयर क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, और कब स्लाइम कहते हो, कब कैप्सूल कहते हो। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो ये है सेल वाल के बारे में, क्योंकि सेल वाल के बेस पर जो होता आप इसको एक और तरीके से जो होता है क्लासिफाई कर सकते हो, और वो होता ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसको जो होता है स्टेन कैसे करते हैं वो भी प्रोसीजर जो आपको जानना है। तो ग्राम सेल वाल को देखते हैं, तो सेल वाल जो होती है वो क्या होती है? सबसे अपर लेयर जो होती है, परमानेंट लेयर जो होती है, और अपर लेयर जो होती है सेल वाल होती है, ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है, रिड्स होती है, टफ होती है, और ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर बनता है, ऑस्मोसिस जो होता है अलग अलग इन्वायरमेंट में जाने पर, तो उस ऑस्मोसिस से ये ज्यादा भ्रष्ट ना हो और ये ज्यादा श्रिंक ना हो, तो उससे जो होता है बैक्टीरिया को जो है बचा देती है। अब सेल वाल बनी किसकी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वाल जो होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की जो है बनी होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है इन तीन चीजों का। पेप्टिडोग्लाइकन चेन जो होती है पूरा वो जो तो बना होता है एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, एसिटाइल मिमेरिक एसिड का, और टिचोइक एसिड का। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो ये तीनों प्रेजेंट होने पर जो होते सेल वाल क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल क्या होती है? थिक होती है। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से टिचोइक एसिड को हटा देते हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है? यहाँ पे बचता है पेप्टिडोग्लाइकन में सिर्फ दो चीजें, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और मिमेरिक एसिड। ये किसमें प्रेजेंट होती है कंडीशन? ये कंडीशन प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसलिए उसकी सेल वाल कैसी होती है? थिन होती है। तो ये बात जो है यहाँ पे याद रखनी है, टिचोइक एसिड जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप याद कर लोगे, आप पढ़ भी लोगे, अलग अलग जगह पे मिलेगा आपको कि सेल वाल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। मगर एंट्रेंस वगैरह में कई बार पूछ रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस क्या होता है या क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती है? तो आपको बताना है टिचोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होती है, इसलिए उसकी सेल वाल भी क्या होती है? थिक होती है। और इसमें प्रेजेंट नहीं होती नेगेटिव में, इसलिए उसकी सेल वाल कैसी होती है? थिन होती है। तो ये यहाँ पे जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसके बेस पर जो है इसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं स्टेनिंग की, स्टेनिंग कैसे करते हैं हम। तो ग्राम जो होते हैं उन्होंने एक स्टेनिंग करने का प्रोसीजर बनाया था, उस प्रोसीजर के बेस पर उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेन को अपने ऊपर रिसीव कर लेते हैं, और कुछ जो होते हैं उसे रिसीव नहीं कर पाते। जो रिसीव कर रहे थे उसे हम कह रहे थे ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं कर रहे थे उसे हम कह रहे थे नेगेटिव। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है कि आपको जो होता है स्लाइड लेनी है, और स्लाइड पर जो होता है बैक्टीरिया लेना है, उस बैक्टीरिया को जो होता है आप हीट फिक्स जो होता है कर लेते हैं, और उसके बाद जो होता है आपको सबसे पहली चीज जो डालनी है वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट जो होती है वो डालनी है। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से डालनी है, और उसको एक दो मिनट रखने के बाद उसे वाटर से जो है वो वॉश कर लेना, रिंस कर लेना है। जब आप उसे क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद रिंस कर लेते हो तो उसके बाद आपको डालना है इसमें आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन को भी जो होता है आपको एक दो मिनट तक जो उस पर रखना है, और रखने के बाद जो होता है उसे फिर से वॉश कर लेना है। तो आप बैक्टीरिया को जब देख रहे हो तो बैक्टीरिया आपको कैसे नजर आएगा? आपको बैक्टीरिया नजर आएगा ब्लू कलर का, ब्लू वॉयलेट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इथेनॉल जो है वो डालना है। इथेनॉल क्या करता है? डीकलराइज करता है, जो ब्लू कलर जो होगा उसको क्या कर देगा? निकाल देगा जो वेस्ट है।
तो जब आप इथेनॉल डाल दोगे तो इथेनॉल डाल दीजिए और उसको 1-2 मिनट के लिए रखिए, उसके बाद जो है मोटर से जो है अच्छे तरीके से वॉश कर दीजिए। तो उसके बाद आप देखोगे कि उसमें से जो है वेस्ट जो ब्लू कलर था वो निकल गया, जो सिर्फ बैक्टीरिया ने पकड़ा है वही ब्लू कलर उसके अंदर प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया में आपने जो कल्चर लिया था वो तो ये तो था नहीं कि वो ग्राम पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, उसमें तो मिक्स थे। तो उसको पता लगाने के लिए जब आप ये प्रोसीजर कर रहे हो, अब आप लास्ट में क्या डाल दीजिए, सेफ्रोनिन डाल दीजिए। सेफ्रोनिन जो होता है वो बैक्टीरिया पे डलेगी और जो ग्राम नेगेटिव हो गए वे सेफ्रोनिन को रिसीव कर लेंगे और वे कैसे कलर के नजर आएंगे, पिंक कलर के नजर आएंगे। और जो ग्राम पॉजिटिव हो गए वे क्या हो चुके हैं, ब्लू हो चुके हैं, तो वे उसको जल्दी से रिसीव नहीं करेंगे। तो वो आपको रिंस करने के बाद सेफ्रोनिन, जब आप स्लाइड देखेंगे तो स्लाइड में आपको कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिलेंगे जो कैसे होते हैं, पिंक कलर के होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ब्लू वायलेट कलर के होंगे। जो ब्लू वायलेट के हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक कलर के हैं क्या कहलाएंगे, ग्राम नेगेटिव। तो इस तरीके से जो है आपको प्रोसीजर जो है वो भी याद रखना। प्रोसीजर में कुछ नहीं है, सिंपल सा जो होता है आप इसको याद रख सकते हो। क्रिस्टल वायलेट होते हैं, आयोडीन होता है, इथेनॉल होता है, सेफ्रोनिन होती है, हर एक को आपको 1-2 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद जो होता है वाटर से वॉश करना है और उसके बाद जो होता है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सा जो होता है इसका प्रोसीजर है जो आपको याद रखना है। इस प्रोसीजर में से भी कई क्वेश्चन जो आ जाते हैं और सेल वाल में से जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, तो इसमें से भी जो है काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं अंदर वाली लेयर की। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। और किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन्स की बनी होती है। तो सेल वॉल जो होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है और पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। सेल वॉल जो होती है उसके पास कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पर। और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं वो कैटाबोलिकल और एनाबोलिकल रिएक्शन जो होते हैं इसके अंदर करते हैं। और कई तरह के मटेरियल को जो होते हैं पास कराने के लिए भी जो होता है काम करती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि सेल वाल जो है वो क्या होती है, सिलेक्टेबल परमेबल होती है जैसे ह्यूमन की है। और इसके पास बस क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कैटाबॉलिकल एनाबॉलिकल रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो कि सेल वाल जो है वो कई जगह से क्या हो जाती है, अपने आप ही फोल्ड हो जाती है। अगर वो कई जगह से फोल्ड हो जाती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर बन रही है, तो आप उस एरिया को या उस स्ट्रक्चर को आप कह देते हो मीजोसोम। मीजोसोम जो होता है उसके पास वो क्या काम आता है, मीजोसोम जो होता है वो सेल जब डिवाइड होते हैं तो सेल सेपरेट जो बनते हैं उसका काम करता है। और कई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अंदर से बाहर ले जाने का भी जो होता है काम करता है। तो ये बात भी जो होता है आपको याद रखनी है, और सेल वाल में जो होते बात इंक्लूड होगी। उसके बाद अगर आप देखते हो तो बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है। ये जो होता है डीएनए होता है, डीएनए का जो होता है लॉन्ग थ्रेड होगा जो काफी बार जो होता है फोल्डेड हो जाता है, और फोल्डेड होने के बाद जो होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लोइड, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एक लेयर प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर एनवलप इसके चारों तरफ प्रेजेंट नहीं है। अगर न्यूक्लियर एनवलप इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता तो इसका इन्वायरमेंट जो होता है वो बाहर के साइटोप्लाज्म से क्या हो जाता, अलग हो जाता, उस वक्त हम इसे कहते हैं न्यूक्लियस। मगर इस वक्त क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, कोई इन्वायरमेंट अलग नहीं है इसका। तो ये जो है एक सिंगल क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट है इसके अंदर, जो कि क्या है हाईली फोल्डेड है, और इसे हम कह देते हैं न्यूक्लोइड। कई बुक में आप इसे क्रोमेटिन के नाम से भी है पढ़ोगे। इसके बाद जो होता है इसमें प्रेजेंट है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो कैसे होते हैं, 17S होते हैं, ये आपको याद रखना है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है और क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ जो होते हैं अलग अलग थोड़े बहुत जो होते हैं आरएनए जो है वो भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। साथ में जो इम्पोर्टेंट बात इसमें जो प्रेजेंट होती है वो होती है पिल। पिल की जो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मगर उससे पहले जो होते हैं फ्लैजिला के बारे में बता देते हैं आपको कि बैक्टीरिया पर जो होती है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। और फ्लैजिला जो होती है 4-5 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकती है। ये फ्लैजिला जो होती है असल में प्रोटीन की बनी होती है, और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं फ्लैजिलियन प्रोटीन, जो कि 3-8 सब यूनिट्स का क्या होता है, बना हुआ होता है।
ये फ्लैजिलन प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपस में जो होते हैं हेलिकल शेप ले लेते हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वहां पे बन जाती है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। और ये जो होती है 360 रिवॉल्व करके मूवमेंट करने का जो होते हैं काम करती है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया मतलब इससे क्या करता है, मोमेंटम करता है, मोमेंट लेता है, इधर से उधर मूव करता है। इसके बाद जो होता है, अब हमें बात करनी है मेनली प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आप कई बार जो होता है प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है और ये जो होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर उसकी सेल के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, कोई प्रोटीन नहीं बनाता। मेन जो प्रोटीन बनाता वो न्यूक्लियोइड्स का होता है। और ये जो होता है सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और एक्स्ट्रा होता है, किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या होता है, प्लाज्मिड। तो इसे हमने नाम दिया जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं और ये एज ए वेक्टर जो होता है यूज किया जाता है। ये डीएनए को जो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफर कराना हो तो जो होता है प्लाज्मिड की हेल्प ले लेते हैं। उसके बाद जो होता है आपको याद रखना है इसमें पिल्स के बारे में। अब पिल्स क्या होती है, तो रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो कितनी तरह का होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह का होता है इसमें, एक सेक्सुअल होता है और एक एसेक्सुअल होता है। अगर एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसा होता है, नॉर्मली बाइनरी फ्यूजन होता है। और बाइनरी फ्यूजन इसका जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर 20 से जो होता है 24 आवर्स मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो होता है वो कंजुगेशन टाइप से जो है वो करता है। अब कंजुगेशन क्या होता है उसको समझने के लिए आप डायग्राम में देखिए कि एक बैक्टीरिया, एक दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास क्या अपना सर्कुलर है और इसके पास सिर्फ क्या अपना न्यूक्लियोइड है, इसके पास भी न्यूक्लियोइड है, इसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो इसे फर्टिलिटी फैक्टर भी कह देते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके पास सेक्स पिल जो है प्रेजेंट है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पिल, सेक्स पिल। ये सेक्स पिल को एक्सटेंड करेगा और एक्सटेंड करके दूसरे बैक्टीरिया के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और अपना जो प्लाज्मिड होता है उसको क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेट करने के बाद जो होता है इसके अंदर डाल देगा तो ये भी कैसा बन जाएगा, इसी तरह का जो होता है बैक्टीरिया बन जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है कंजुगेशन। इसमें एक और टेक्निक जो है वो आती है, वो होती है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसके अंदर इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से जब दूसरे के अंदर उसका जो डीएनए का पार्ट होता है वो जब उसके अंदर मूव कर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि जो डीएनए का पार्ट होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे के अंदर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें काफी लो अमाउंट में जो डीएनए होता है वो क्या करता है, पास करता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, उसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ जो होता है वो आपने पढ़ा होगा, किसने क्या करता है, माउस लिया था और माउस के अंदर जो होता है वो निम्नोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी दो स्ट्रेन डाल दी थी, एक रफ थी और एक क्या थी, स्मूथ स्ट्रेन थी। और वहां पे जो होता है वो मूव कर रहा था, रफ स्ट्रेन जो थी वो हीट किल्ड थी और हीट किल्ड होने के बाद भी वो स्मूथ के अंदर क्या कर गया था, मूव कर गया था। और मूव करने के बाद उसने भी क्या बना दिया था, उसे भी अपने जैसे ही जो था बना दिया था। तो इस तरीके से जो है अगर स्मॉल अमाउंट में जो डीएनए होता है वो मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके साथ ही एक और प्रोसेस इसके अंदर होता है वो होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो होता है वो आपने ओटी एवरी का एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ा है तो उसमें जो होता है आप ये एग्जांपल है इसका बेस्ट आप जान सकते हो। जैसे इकोलाई होता है, इकोलाई के ऊपर क्या होता है, एक वायरस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज होता है। ये बैक्टीरियोफाज जो होगा वो इसके ऊपर बैठ जाएगा और इसका जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो अगर किसी एजेंट के द्वारा जो होता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है
तो उसमें क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं, अपने आप ही जो होते जेनेटिक मटेरियल जो होता है मूव कर जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर सेक्स पिल के द्वारा होता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये जो है एग्जाम्पल होते हैं, आपसे कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं कि ओटी एवरी का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज को शो करता है, तो अब आप बता देंगे। और इसी तरीके से जो होता है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट जो है वो किसको शो कर रहा है, तो वो आप जो होते बता देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। तो ये जो होता है बैक्टीरिया था, और बैक्टीरिया में जो होते हैं किस तरह के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो होता है, इसमें से काफी क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं एंट्रेंस में। अब लास्ट में जो होता है आपको डिस्कस जो करना है वो होता है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। कई बार जो होते हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी जो होते हैं पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना कि बैक्टीरिया जो होता है वो हार्मफुल तो होता ही है, मगर जो होता है वो कई तरह से हमारे लिए यूजफुल भी होता है। जैसे कि लीकेज, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको डिके करने का काम करता है। बैक्टीरिया से जो होता है हम कई तरह के एंटीबायोटिक्स जो बना सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो कई तरह के जो होते हैं प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो होते हैं कई अलग अलग जो होते हैं ह्यूमन की यूज में भी आते हैं। उस पर जो होते हैं हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो आपका एक अलग से चैप्टर भी है जिसमें आप जो होते बैक्टीरिया के यूज के बारे में जो होता है डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हो। तो ये था आप जो हमारा टॉपिक मोनेरा, जिसमें जो हमने बैक्टीरिया की जो जनरल करेक्टर्स थे, उसकी सेल स्ट्रक्चर जो थी, उसके बारे में जो हमने स्टडी करी है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद हो, तो आप जो थे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।